19वीं सदी में भारत में जब लड़कियों और दलितों के लिए एजुकेशन एक दूर का सपना था, तब एक बहादुर लेडी ने समय शिक्षा को आगे ले जाने का बेड़ा उठाया। ये महिला थी सावित्री बाई फूले, जिन्होंने न सिर्फ खुद पढ़ाई की बल्कि हजारों लड़कियों और अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोले। 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट के नया गाँव में एक दलित फैमिली में जन्मी सावित्री बाई का बचपन गरीबी और सोशल डिस्क्रिमिनेशन के बीच बीता। सिर्फ 9 साल की एज में उनकी शादी ज्योतिराव फूले से हो गई। शादी के टाइम वो अनपढ़ थी, लेकिन उनके पति ने उन्हें पढ़ने लिखने के लिए इनकरेज किया। सावित्री बाई की लाइफ में एजुकेशन की एंट्री एक एक्साइटिंग इवेंट से हुई। एक दिन वो छिपकर इंग्लिश की एक बुक पढ़ने की कोशिश कर रही थी, तब उनके पिता ने उन्हें देख लिया। गुस्से में आकर उन्होंने बुक फेंक दी और कहा, पढ़ाई सिर्फ अपर कास्ट के आदमियों के लिए है, दलितों और औरतों का पढ़ना पाप है। इस इंसिडेंट ने सावित्री बाई के मन में एक जुनून जगा दिया कि वो न सिर्फ खुद पढ़ेंगी बल्कि दूसरों को भी पढ़ाएंगी। अपने पति के सपोर्ट से सावित्री बाई ने पढ़ाई शुरू की। उन्होंने अहमदनगर और पुणे में टीचर ट्रेनिंग ली, लेकिन ये सफर इजी नहीं था। जब वो स्कूल जाती थी, लोग उन पर पत्थर फेंका करते थे, कीचड़ फेंकते थे, लेकिन सावित्री बाई ने गिव अप नहीं किया। वो एक दूसरी साड़ी अपने बैग में लेकर रखती थी और स्कूल पहुंचकर चेंज कर लेती थी। 1848 में महज 17 साल की उम्र में सावित्री बाई ने अपने पति के साथ मिलकर पुणे में इंडिया का पहला गर्ल्स स्कूल खोला। शुरुआत में सिर्फ 9 स्टूडेंट्स थी, लेकिन जल्द ही नंबर बढ़ने लगा। कुछ सालों में उन्होंने 18 और स्कूल्स ओपन किए जहां दलित और बैकवर्ड क्लास की लड़कियां भी पढ़ती थी। सावित्री बाई का टीचिंग मेथड यूनिक था। वो स्टूडेंट्स को न सिर्फ रीडिंग राइटिंग सिखाती थी बल्कि उन्हें सोसाइटी में अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करती थी। उन्होंने चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा और अनटचेबिलिटी जैसी सोशल इश्यूज के खिलाफ आवाज उठाई। 1854 में सावित्री बाई ने विधवाओं के लिए एक शेल्टर होम स्टार्ट किया। उस समय विधवाओं की कंडीशन बहुत बेकार थी। इस होम में उन्हें न सिर्फ शेल्टर मिलता था बल्कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के मौके भी मिलते थे। सावित्री बाई ने सोसाइटी के हर सेक्शन के लिए काम किया। जब दलितों को कुएं से पानी लेने की परमिशन नहीं थी, तब उन्होंने अपने शेल्टर होम में एक कुआं खुदवाया जहां हर कोई पानी ले सकता था। 1897 में जब महाराष्ट्र में प्लेग हुआ, तब सावित्री बाई ने पेशेंट की सर्विस में अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। बदकिस्मती से इस प्रोसेस में वो खुद भी बीमार हो गई और 10 मार्च 1897 को उनकी डेथ हो गई। सावित्री बाई फूले का लाइफ स्ट्रगल और हौसला प्रेरणादायक कहानी है। उन्होंने न सिर्फ खुद के लिए बल्कि सोसाइटी के लिए, बैकवर्ड ग्रुप्स के लिए एजुकेशन और इक्वालिटी का रास्ता बनाया। आज भी उनकी लाइफ हमें इंस्पायर करती है कि कैसे एक महिला के स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन ने पूरी सोसाइटी को चेंज कर दिया। ऐसी ही और प्रेरणादायक स्टोरीज देखने के लिए फॉलो करिए हमारा चैनल नथिंग इम्पॉसिबल।